राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली के अंतर्गत हम आपको जिस दुनिया में लेकर चल रहे हैं उस दुनिया का नाम है ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम कीड़ों की अद्भुत दुनिया। एक दिन मुनिया अपने दादा और दादी जी के साथ बागीचे में घूम रही थी कि तभी मुनिया ने देखा कि चींटियों की एक कतार बागीचे की तरफ बढ़ रही है और दूसरी कतार रसोई घर की तरफ जा रही है। तभी दो चार चींटियां आपस में टकरा गईं। ये देख छोटी मुनिया जोर जोर से हंसने लगी। दादाजी दादाजी देखिए देखिए, चींटियां आपस में टकरा गईं। क्या चींटियां देख नहीं सकती? उनकी आंखें नहीं होती? नहीं भाई नहीं, चींटियों की भी आंखें होती हैं बेटी। कीड़ों की प्रत्येक आंख यानी हर एक आंख कई हजार आंखों से मिलकर बनती है बेटे। अरे क्या? कई हजारों? अच्छा अच्छा, क्या कई हजार आंखों से मिलकर कीड़ों की एक आंख बनती है? हाँ बेटी, और इनको संयोजित आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजित। कुछ कीड़ों की एक आंख तो 25,000 छोटी छोटी आंखों की इकाइयों से मिलकर बनती है। अच्छा। और कीड़ों के दादाजी की ऐनक गुम जाती होगी तो वे ढूंढते कैसे होंगे? मुनिया, कीड़ों के दादाजी को ऐनक की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। जो कीड़े शिकार के लिए अपनी आंखें प्रयोग में लाते हैं ना, उनकी आंखें अक्सर बहुत तेज होती हैं। ये शिकार को या किसी भी खतरे को चारों ओर से देख सकते हैं। अच्छा दादी जी। हाँ। तभी तो मक्खी कभी पकड़ में नहीं आती। भाई हाँ, और सिर्फ देख कर ही नहीं, सूंघ कर भी कीड़े अपने शिकार को पहचान लेते हैं। पर कीड़ों की नाक तो दिखती नहीं, वे सूंघते कैसे होंगे? अरे हाँ भाई, कैसे सूंघते हैं बताओ। बेटी, अलग अलग कीड़ों में सूंघने वाले अंग अलग अलग जगह पर होते हैं। अच्छा, फिर तो कीड़ों के कान भी नहीं होते होंगे? अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। कीड़ों के कान होते हैं। होते हैं? हाँ। अच्छा। कीड़े सुनते भी हैं। अच्छा। ये बात और है कि सूंघने वाले अंगों की तरह इनके कान भी अलग अलग जगह पर होते हैं। अलग अलग जगह पे कान? हाँ। अच्छा। जैसे किसी कीड़े के कान कोहनी में। अरे वाह। और किसी के कान पेट पर होते हैं। अच्छा। कान पेट पर। ये सुनी आवाज आपने, कीड़े इतना बेसुरा गाना क्यों गाते हैं? ये गाना नहीं है बल्कि एक तरह का संकेत है। ये झींगुर की आवाज थी। इसकी जांघों में छोटी छोटी झिल्लियां होती हैं। इनसे ये आवाज पैदा होती है। हा? पर अक्सर ये रात को ही आवाज करते हैं। हाँ, कीड़े दो या तीन अलग अलग तरह की आवाजें निकाल लेते हैं बेटे। हुई बड़ी ही खुश मुनिया, जानी जब कीड़ों की दुनिया। हुई बड़ी ही खुश मुनिया, जानी जब कीड़ों की दुनिया। कीड़ों की आंखें कई हजार ढूंढती
शिकार को सूंघ के पहचाने, टी 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 गाए गाने। हुई बड़ी ही खुश मुनिया, जानी जब कीड़ों की दुनिया। हुई बड़ी ही खुश मुनिया, जानी जब कीड़ों की दुनिया, जानी जब कीड़ों की दुनिया। दादाजी, कीड़े इतने छोटे क्यों होते हैं? बेटी, इसके दो कारण हैं। एक तो कीड़ों के शरीर में हड्डियां नहीं होती, और दूसरा फेफड़े नहीं होते। दादाजी, स्कूल में दीदी ने बताया था कि हम फेफड़ों से सांस लेते हैं। अगर इन कीड़ों के फेफड़े नहीं हैं, तो ये सांस कैसे लेते हैं? इनका शरीर एक स्पंज की तरह होता है। पूरे शरीर पर छोटे छोटे हजारों छेद होते हैं। जिस तरह स्पंज पानी को सोख लेता है, इसी तरह इनके शरीर के छेद हवा को सोख लेते हैं। इतने छोटे छोटे कीड़े गड्ढे कैसे खोदते हैं? कुछ कीड़ों का डंक ही उनका खुदाई का औजार होता है। दादाजी, जब कीड़े छोटे होते हुए इतने अद्भुत काम कर सकते हैं, तो अगर हमारे जितने बड़े हो जाएं, तो क्या क्या नहीं कर सकेंगे? हाँ, अब जवाब दो इसका भी। बेटे, कीड़े तो कमाल करते हैं, कमाल। तुम्हें पता है, चूहे के शरीर पर रहने वाले पिस्सू दो दो फुट ऊपर उछल सकते हैं। दो फुट ऊपर उछल जाते हैं? हाँ। अच्छा, काश मैं भी पिस्सू की तरह उछल सकती। हाँ भाई, फिर तुझे रसोई घर से खाने की चीजें निकालने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती है। हुई बड़ी ही खुशमुनिया, जानी जब कीड़ों की दुनिया। हुई बड़ी ही खुशमुनिया, जानी जब कीड़ों की दुनिया। छोटे रंग बिरंगे तितली जुगनू और पतंगे, छोटे छोटे रंग बिरंगे तितली जुगनू और पतंगे। कभी हमें हानि पहुंचाते, कभी हमारे काम में आते। कभी हमें हानि पहुंचाते, कभी हमारे काम में आते। कभी कभी हम इनसे डरते, रेंग रेंग कर जब ये चलते। कभी कभी हम इनसे डरते, रेंग रेंग कर जब ये चलते। हुई बड़ी ही खुशमुनिया, जानी जब कीड़ों की दुनिया। हुई बड़ी ही अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कीड़ों की अद्भुत दुनिया। विषय संयोजन डॉ. जितेंद्र सिंह, आलेख अजय चावला, कलाकार जैमिनी कुमार, सुनीति कोहली, कमला कुमारी चोपड़ा और प्रिया, ध्वनिंकन दीपक पांडे, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहयोग दाऊद दयाल चतुर्वेदी और सिम्मी कुमार, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।